3 साल यूं ही दे दिए, उसके अतिरिक्त कोई कार्य ही नहीं सोचा, सिर्फ सोचा तो मेरे बच्चे, कभी समझाया तो तुम्हारा रिजल्ट, और दिया तो उसी से तुम लोगों ने यहां तक पहुंचाया, तुमको वापस भी करूंगा। आज जो है इसको तुम फ्री में भी पाओगे, पूरी समस्या सुन के जाना। आप सभी जानते बच्चा कि आपके अब कई सारे एग्जाम आ चुके हैं। कहते कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्यहीन जैसे एक जिस दिन तुमने अपना गोल अपना लक्ष्य प्राप्त किया, वो निंदा करने वाले तुम्हारे सबसे बड़े चहेते बनेंगे, वो तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं भी आप लोगों को यह बता रहा हूं कि ये देखो, ये ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, लेख यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी लेखपाल हो गया। अब देखो, कभी तुमने सोचा था कि मैं एसएससी सीजीएल प्री 23 तारीख को फॉर्म आ रहे, एसएससी एमटीएस मार्च में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ दिल्ली पुलिस, इसके अलावा सीएचएसएल, इसमें सीएचएसएल सीएचएसएल उसकी स्लाइड नहीं बनी है, उसे भी देख लेना। तो आप लोगों के लिए कौन कौन से एग्जाम इस एक से कवर हो रहे हैं, आप यूपी के देखोगे तो यूपी के 2 एग्जाम, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक बार थोड़ा सा ध्यान, अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मतलब यूपी के किसी एग्जाम की, तो अपने पास 2 कोर्स हैं, एक यूपी कांस्टेबल बिल्कुल 0 से, और एक हो जाता है यूपी लेखपाल बिल्कुल टारगेट 40-50 दिन के लिए। एसएससी का जो नया कैलेंडर आया है साल 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए, तो एसएससी सीजीएल प्री इसमें शामिल है, इसमें बच्चा सीएचएसएल भी शामिल है, इसमें एमटीएस भी शामिल है, एडब्ल्यू टीपीओ करके जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी होती है, दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की इसमें ड्राइवर वाली जो वैकेंसी है वो हो गई, एडब्ल्यू टीपीओ वाली वैकेंसी वो हो गई, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी जो है ये हो गई। रेलवे की बात करें तो ग्रुप डी टारगेट और भैया एनटीपीसी सीबीटी 2, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 सिर्फ सोचो कि क्वेश्चन क्वेश्चन करने से निकल जाएगा, तो क्वेश्चन करने से नहीं निकलेगा, क्वेश्चन करने से कभी भी नहीं निकलता, निकलेगा थ्योरी पढ़ने से। ये जितने हैं साथी, ये जितने भी तुम्हारे सामने हैं, इसमें अगर एक लेते हो तो ये 799 का 10% का कूपन कोड लगाओगे तो 720 रुपए का पड़ेगा, अगर एक लेते हो। अगर मान लेते हो, तुम कहो भैया मैं एक नहीं लेना, अब सारे ले लो, आपको बच्चा 1300 रुपए की जगह मात्र 1170 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए? 1170 रुपए 7 दिन के लिए, 25 तारीख क्रिसमस वाले दिन ये बंद हो जाएगा, उसके बाद में इस बैच में एडमिशन ही नहीं लेंगे, या मतलब रोक देंगे, क्योंकि फिर रेलवे की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होगा, एक हफ्ता और लेट करते हो तो, और नहीं लेखपाल आदि की। तो मैंने क्या बताया, अलग अलग लेते हो तो 720 रुपए का, अब कहोगे 10% का कोड कैसे करें, तो मैं भी आपको टीचर की लिस्ट दिखा रहा हूं, उस टीचर की लिस्ट में से जो टीचर आपको पसंद है उनका कोड आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अपनी क्लासों में अपना कोड बनाती है, टीम देख लीजिए, टीम, ये सारे के सारे जब कॉम्बो होगा तो सारे के सारे टीचर आपको कोर्स वाइज अवेलेबल होंगे। फिर भी मैं आपको क्या बता के चल रहा हूं कि रीजनिंग में आगे आपको 2 टीचर और मिलेंगे, दीपक सर है, संदीप सर है, विजेंद्र सर है, इसके अलावा प्रीति मैम और आबिश सर और हैं, प्रीति मैम और आबिश सर, ये अपनी साइंस की टीम हो गई, अमृता मैम हो गई, इसमें शगुन मैम का नहीं लग पाया अभी, शगुन मैम, ज्ञान सर, पूर्णिमा मैम, दिलावर सर और सुजीत भैया, इंग्लिश के जो अपने जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए है वो अपने अनिल रोहिला सर, प्रिंस सर, विकास सर, आर के महतो सर, सबकी क्लास होंगी 0 से, बिल्कुल उतरे, एक का समझ में आए दूसरे का ले लो, दूसरे का ना आए तीसरे का ले लो। जीके में अतुल सर, रवि सर, सोनम में विनीत सर,
उसके अलावा यूपी कांस्टेबल में हम सारे के सारे हैं, अपने मोहित सर हो गए, रवि सर हो गए, सोनम में दीपक सर हो गए, अमित सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, मैं हो गया, ये लेखपाल के हो गए, प्रभु सर, मोहित सर, मैं, अमित पांडे सर, मतलब हिंदी के भी दो दो तीन तीन टीचर, ये अपने अपने हिस्ट्री के लिए हो गए सुयश सर, पॉलिटी के लिए हो गए विरज सर, और अपने हरिंदर सर, अंकेश सर इकोनॉमिक्स के लिए अभिनंदन सर हो गए, बाकी अपनी जो टीम मैंने अभी आपको बताई थी आरुषि मैम, इसके अलावा सुयश सर तो है ही है, जो मतलब ग्रुप डी का, इसमें क्या है, इसमें सब कुछ बिल्कुल टारगेट है, एक्स्ट्रा फालतू कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा फालतू कुछ पढ़ाना नहीं, कुछ नहीं करना, आपको भी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, ये फ्री में कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्री में कैसे मिलेगा ये भी आपको मैं बता रहा हूं, फ्री में मिलने के लिए मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि आपको www.com पर जाना है, किस पर, टेस्ट वाले .com पर, वहां पर आपको स्कॉलरशिप देनी है, क्या देनी है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है सभी एग्जाम का, आप लेखपाल का देना चाहे लेखपाल का दे लो, रेलवे का देना चाहो, कांस्टेबल का देना चाहो, दिल्ली पुलिस का, SSC का, जिसका आपका मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट वहां पर चल रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको यह कोर्स फ्री आएगा, टॉप 100 को कोर्स फ्री आएगा, टॉप 100 को क्या आएगा, यह कोर्स आपका फ्री आएगा, कोई पैसा नहीं देना, अगर आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर आते हो, अभी मैं दिखाऊंगा हमने पैसे दिए हैं 1100 700 और 500 रुपए, टॉप 10 में आते हो टॉप 10 को 100 रुपए, सातवना पुरस्कार आप कह सकते हो 100 रुपए, टॉप 100 को ये कोर्स फ्री है, तो ना तो अगर तुम स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा करते हो कोई पैसा देने की जरूरत पड़ी, किसी भी प्रकार का कोई पैसा देने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, अब मुझे बताओ कोई है इस हिंदुस्तान में जो SSC दिल्ली पुलिस रेलवे और कांस्टेबल सिर्फ एक बार तुम्हें एक ही कोर्स से सारे टीचर देके लगा दे, तो मैं अभिनंदन सर से पढ़ना मैं पढ़िए, मोहित सर से पढ़ना पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा अंकित सोलंकी सर, नहीं समझ में आ रहा अमित सर, पांचों का अपना है बढ़िया, लेकिन जैसे मान लो अभिनंदन सर NTPC CBT 2 की मेन में है तो वो NTPC CBT 2 पर ही फोकस करेंगे, कैसे तुम्हारे नंबर और बेहतरीन आए, कोई यूपी कांस्टेबल में तो वो जीरो से मेहनत करेंगे, कोई लेखपाल में तो जितने तुम्हें टॉपिक दे रखे उससे मेहनत करेंगे, सारे के सारे टीचर जो मेरे 25 सबसे बेस्ट थे वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए, ये 7 दिन के लिए, अब सुनिए, इसकी मंडे 20 तारीख से क्लास शुरू है, परसों से क्लास का जो टाइम टेबल है वो 8 घंटे, 7-8 घंटे कॉमन है, सुबह 8 से 4 और शाम को 4 और सुबह 8 से 12, सुबह 8 से 12 और साथ ही दोपहर 3 से 7, ये टाइम टेबल है, सुबह 8 से 12 और दोपहर 3 से 7, किसी में 6 घंटे हो सकता है, किसी में 8 घंटे हो सकता है, पूरा टाइम टेबल आदि आपको कल ये एप्लीकेशन पर पता चलेगा, इसका कोई डेमो नहीं होगा, अब हम डेमो नहीं देंगे आपको, इतना पढ़ा दिया, इतना पागलों की तरह हमने 41-42 हजार वीडियो डाल दी, अब हम लोग डेमो आपको नहीं देंगे, कोई भी टीचर सीधा एप्लीकेशन पर आपके परसों से आपका टाइम टेबल दिखने लगेगा, आपकी क्लासेस आपके कोर्स वाइज, जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, कोई टारगेट कर रहा है कांस्टेबल वो सिर्फ कांस्टेबल देखे, मान लेता हूं कोई सब्जेक्ट उसकी समझ में नहीं आता तो क्या करे फिर वो, जैसे मान लेता हूं मैथ कांस्टेबल वाला समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे पास तो पूरा कोर्स है, बाकी के 3-4 टीचर और है मैथ हुए उनके पास जा सकते हैं आप लोग कि भाई इनमें से किसका अच्छा समझ में आ रहा है, शुरुआत बिल्कुल जीरो नंबर सिस्टम से करेंगे, जो जीरो से शुरुआत करने वाले समझे मेरी बात, फिर से एक बार कह रहा हूं 1 हफ्ते के लिए ये आपका है, इसमें आप जाओगे तो आपको 1300 रुपए दिखेगा, लेकिन अगर किसी जितने भी टीचर हैं उनकी किसी वीडियो को देखकर आप जाते हैं या उनकी फेसबुक से तो उनका कोड आपको पता चल जाएगा, उस कोड को आप लगाते हैं, मैं अपना कोड नहीं बता रहा क्योंकि फिर मैं बताऊंगा तो आप उसी को लगाओगे, इसलिए आपको जो टीचर पसंद है वो आप उनका कोड लगाइए और वो 10% उनके खाते में ट्रांसफर होता है, बाकी 1170 रुपए का, मैं 1300 में 130 कट गए, 1170 रुपए आपको पे करने होंगे, जो एग्जामपुर के पास आएंगे, जिसमें वो अपना खर्चा चलाएगा, टैक्स देगा गवर्नमेंट को, जिसमें वो एक एक बिजली पानी कैमरा टाइपिंग करने वाले एडिटर टीचर की सैलरी ये सब देगा, अपने घर पर एग्जामपुर इस 1100 में से क्या ही लेकर जाएगा,
25 टीचर लगाने के बाद में। आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, पूरा दिल से यहां से तुम लोगों के लिए मेहनत करने की आवाज आती है। आज तुम्हारे भी सपोर्ट और समर्थन तुम्हारे लिए 1170 इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए मुझ पर विश्वास करने की बहुत बड़ी चीज होगी। हम एक बार फिर से पूरी ताकत लगा के, और अगर मैं इस बार यहां से कह रहा हूं, अगर मैं कामयाब नहीं होता मैं तुम सबकी फीस वापस करूंगा। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, मैं कामयाब नहीं होता, मैं चाहे रोड पर काम करके दूं, पढ़ने ना हो पाए, मैं तुम्हारी फीस वापस दूंगा। सारे कोर्स आपके लिए मैंने अवेलेबल करा दिए, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, नया बिल्कुल जीरो से, सीजीएल प्री, सीएचएसएल, एमटीएस प्री, बिल्कुल एकदम जीरो से एकदम शुरुआत से। किस तारीख से? 20 तारीख से, परसों मंडे से। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एडब्ल्यू टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2। आपको अभी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आपको ये कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, सबसे पहले आप एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसे डाउनलोड करके रखना, उसी से आपको वहीं पर पेड़ का ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर, जो गूगल का प्ले स्टोर होता है, जहां से आप टिकटॉक आदि डाउनलोड करते थे। दूसरी बात, अगर आपको स्कॉलरशिप देनी है, बोला जी हमें तो पैसे में चाहिए ही नहीं, तो आप www.testwale.com पर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? testwale.com, यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? टॉप 100 में यह कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। टाइम टेबल आदि आपको एप्लीकेशन में दिखाई देगा, डेमो इसके होंगे नहीं, कल से कल शाम से आपको सब कुछ आपके एप्लीकेशन में दिखेगा कि मेरी कौन कौन सी क्लास है। कुछ क्लास रेगुलर तो कुछ अल्टरनेट होंगी, क्योंकि हमें एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी बिल्कुल सामने, तो उसका 50-50 दिन का हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन तुम अपने पेपर को देखना,